presenting by Jay Ambe Film Haripura. किसने सुन रखा है ईमानदारी से? क्या बात है, जो भोले के बेटे हैं दोनों हाथों की ताली के साथ। वो मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे शंकर नाथ रे ओ भोले नाथ रे।
शमशाना तेरा वासा हो जी। सर पे तुम्हारे गंगा मैया बिराजे जी, मैया बिराजे, मुकुट पे चंदा भजन। आप और हम सब रोजाना सुनते हैं, लेकिन कभी कभी भजनों में ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भगवान शंकर ने अपने जीवन काल में मां गंगा को अपनी जटा से कितनी बार नीचे उतारा? किसी को ध्यान हो तो बताओ, बाकी तो मजे ही लिया, आज तक आनंद नहीं लिया होगा। भोलेनाथ ने अपनी जटा से मां गंगा को कितनी बार नीचे उतारा? जय हो। 50 रुपए का नगद इनाम है इस प्रश्न पर, जो बताएगा उसको 50 रुपए हाथों हाथ। कर लो जी, कर लो बातचीत, कर लो, मैं भजन पूरा कर लेता हूं, तब तक आप बातचीत कर लो, फिर बता देना। हाथ खड़ा कर दोगे उसमें मान लेंगे अपन। अंगुलियां बता देना, अंगुलियों से पता चल जाएगा कि 1 2 3 4 कितनी बार नीचे उतारा होगा। अभी आप लोग सुनते भी है, समझते भी, सारी बातें होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इधर से सुना और ऊपर से डायरेक्ट तीर निकाल दिया। तो आइए ताली के साथ में, वो मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे शंकर नाथ रे, ओ भोले नाथ रे। समझ में पता चला यार, इतनी देर में तो लाइफलाइन से ही पता चल जाता है कौन बनेगा करोड़पति में, लाइफलाइन चलती है, आसपास के लोगों से पूछ लिया जाता है, भाई आप बताओ ना। सजनों कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आता तो ये भैया कह रहा है कितनी उंगलियां हैं, 1 या 2, ये कह रहे 7 बार, 3 बार, 2 बार, दो बार कौन बोल रहा है? ठीक है कोई बात नहीं, उत्तर सभी का सही है लेकिन पूरा सही नहीं। भोलेनाथ ने मां गंगा को 2 बार अपने शीश से नीचे उतारा। जोरदार ताली बजाओ, जो जीते हैं वो बजाना। अब कब कब उतारा? पहली बार जब भागीरथ ने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस गंगा को मैं स्वर्ग लोक से लाया हूं मेरे परिवार को तारने के लिए, और आप इसको जटा में रमाकर बैठ गए, मैं कैसे क्या करूंगा, तो इसको आप नीचे उतारिए। प्रार्थना की, तपस्या की, तब भोलेनाथ ने अपनी जटा से गंगा को नीचे उतारा, और वो जटा से आज भी नीचे उतर रही है, चाहे किसी तस्वीर को देखो चाहे मूर्ति को देखो। दूसरी बार तब उतारा जब मां गोरा से शादी करने गए, तब फेरों में बैठने की तैयारी हुई, चमरी में बैठने की तैयारी हुई, तो पंडित जी ने कहा पहले से ही औरत विराजमान है, फिर कैसे दूसरी औरत का वरण कर सकते हो आप, इसलिए इसको नीचे उतारना पड़ेगा। तब भोलेनाथ ने मां गंगा को कहा कि आप थोड़ी देर के लिए नीचे उतरिए, मैं गोरा से शादी करने जा रहा हूं। अगर उत्तर अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजा दो भोलेनाथ के नाम, क्या बात है। और ताली के साथ में, वो मेरा भोला है भंडारी करता